दोस्तों आज मैं आपको ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसने आपका पैसा हर साल डबल किया है, डबल से भी ज़्यादा, ढाई बोल सकते हो आप। पैसे को हर साल एवरेज अगर हम देखें तो उसने ढाई गुना कर रखा है, ठीक है। तो हम उस कंपनी की आज फंडामेंटली देख लेते हैं कि वो कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, वो कंपनी है कैसी, ठीक है, उसके पास कुछ है भी या नहीं है। देखो किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करने से पहले हमें उसके फंडामेंटल्स तो चेक करने चाहिए, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने जा रहे हो तो ये कंपनी मैं आपको बता दूं लॉन्ग टर्म्स विजन के लिए ही है और इसने लंबे समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया है, साल आपके पैसे को डबल किया है। तो मैं आपको उस कंपनी के बारे में कुछ फंडामेंटली चेक करके बताता हूँ, ठीक है, कि वो कंपनी है क्या और क्या काम करती है, ठीक है। तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क, और अबाउट देखते हैं कंपनी है क्या, क्या करती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड इज पार्ट ऑफ द जुबिलेंट भारतीय ग्रुप एंड इज वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी। द कंपनी होल्ड्स द मास्टर फ्रेंचाइजीज राइट्स फॉर टू इंटरनेशनल ब्रांड डोमिनोज पिज्जा एंड डकिन डोनट्स एड्रेसिंग टू डिफरेंट फूड मार्केट सेगमेंट। द कंपनी ऑल्सो लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन ब्रांड होंग्स किचन इन चाइनीज किचन सेगमेंट, ठीक है। तो ये कंपनी जो आपने क्या करती है ये आपको पता चलेगा कि इसकी दो बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड की फ्रेंचाइजी है इसके पास, डोमिनोज पिज्जा और डकिन डोनट्स, ठीक है। अब इसके हम और भी फंडामेंटल चेक करते हैं। मार्केट कैप अगर देखें, मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका मार्केट कैप आप इस पर देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये देखो मार्केट कैप है इसका 49,666 करोड़ का, ठीक है, और इतना इसका मार्केट कैप है। और इसके आरओई है इसका 18%, जो कि बहुत अच्छा है। आरओई आप अगर देखना चाहो तो इस जगह पर दिखेगा आपको, ये आरओई है 18% है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, उसने शेयर पर रिटर्न कितना दिया है, तो एक शेयर पर उसने 18% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो इसका आरओई है, कंपनी इज गुड एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा जो क्वार्टर रिजल्ट आ गया, आने वाला है दिसंबर का, सॉरी थर्ड क्वार्टर का, उसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न की कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, कंपनी डिविडेंड भी देती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। ये देखो आप इस जगह पर डिविडेंड दोस्तों बोलते हैं जिस कंपनी को शेयर है आपके पास, वो कंपनी आपको पर शेयर के अकॉर्डिंग कुछ रुपए देती है, कुछ पैसे देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है अपने बिजनेस में तो वो क्या करेगी, आपको कुछ प्रॉफिट आपको देगी, उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, 5 रुपये पर शेयर, 10 रुपये पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर, कंपनी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सभी शेयर होल्डर्स को देती है। तो आगे देखते हैं, तो कंपनी की सेल्स बहुत कंपल्सरी चीज़ होती है, किसी भी कंपनी की सेल्स नहीं हो पा रही है तो वो कंपनी का बिजनेस क्या ग्रो करेगा। तो इसमें हम सेल्स देखते हैं तो आप देखोगे स्क्रीन पे सेल्स की इसकी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखो ये है इसकी सेल्स क्वार्टर वाइज, हर 3 महीने की सेल्स है। देखो दिसंबर 2018 में 937 थी, 873, 949, 998, 1071, ठीक है। फिर मार्च 2020 में कम हो गई, ये आप यहाँ पर देखोगे 1071 से 909 आ गई, क्योंकि आपको पता है कि 2020 में लॉकडाउन लगा था, इसकी वजह से ये कम हो गई, ठीक है। जून में और कम हो गई, सितंबर में फिर एकदम बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे लॉकडाउन ओपन हो गया था, उसके बाद फिर ये बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। फिर जून 2021 में भी सेम वही फंडा हो गया, उसमें भी लॉकडाउन जैसा कुछ, कोरोना की वजह से ऐसा कुछ कंडीशन स्थिति पैदा हो गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सितंबर 2021 में और इसका थर्ड क्वार्टर का दिसंबर तक का रिजल्ट आने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं सेल्स है इस कंपनी के ऐसे, ठीक है, और सेल्स बहुत अच्छे हैं। और नेट प्रॉफिट की हम बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है, देखो 93 से 120 पे पहुंच गया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, कंपनी सेल्स ही सेल्स कर रही है और नेट प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो सेल्स भी हो रही है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है कंपनी को। और आगे हम बात करते हैं इसकी
रिजर्व की अगर हम बात करें, इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है? देखो, रिजर्व किसी कंपनी के पास अगर होता है तो बहुत ही प्लस पॉइंट होता है और अच्छी बात होती है। रिजर्व से क्या प्रॉफिट होता है कंपनी को कि वो अपने को सिक्योर कर लेती है। कंपनी के पास अगर रिजर्व पड़ा हुआ है तो वो अपने आप को सिक्योर कर सकती है। अगर उसके पास कुछ ऐसा समय आता है, ठीक है, जैसे लॉकडाउन वगैरह है, बिजनेस वगैरह, बिजनेस में पैसे लगाने की ज़रूरत है, बिजनेस को और ग्रो करने की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके पास रिजर्व ही नहीं है तो कहाँ से अपने आप को, अपने बिजनेस को बचा पाएगी वो, ठीक है। तो इसलिए हम रिजर्व की बात करें तो आप रिजर्व देखोगे इस कंपनी के पास रिजर्व कितना बढ़ा हुआ है और कितना बढ़ता जा रहा है। देखो, 231 करोड़ से आज इस कंपनी के पास 1580 करोड़ तो रिजर्व ही रिजर्व है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिजर्व है, काफ़ी अच्छा रिजर्व है। अगर हम इसकी बोरोइंग की बात करें, कर्जा कितना है, तो इसके पास 1720 करोड़ का कर्जा है। तो दोस्तों, ये कर्जा आप सोचोगे कि रिजर्व इतना है 1580 करोड़, और उससे ज़्यादा इस पर कर्जा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके पास 1720 करोड़ का कर्जा है, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1580 करोड़ तो उसके पास रिजर्व ही पड़ा हुआ है, वो जब चाहे तब चुका देगी, लेकिन कुछ खास नहीं है कर्जा, ठीक है। तो ये कोई खास, मुझे को लगता नहीं है कि इससे कोई दिक्कत होगी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है कंपनी के खर्चे, तो लाइबिलिटी देखोगे 41,53 है, और टोटल एसेट्स कितने हैं, 41,53 है, तो ये भी अच्छी बात है। देखो, कंपनी के पास लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कंपनी के पास एसेट्स और लाइबिलिटी बराबर हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं शेयर होल्डर की, कि कितना किसके पास शेयर्स हैं, तो देखो, प्रमोटर्स के पास, जो कंपनी के मालिक हैं, प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के मालिक, उनके पास 41.94% की होल्डिंग है। FII के पास भी बहुत अच्छी होल्डिंग है, ठीक है। DII के पास भी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी होल्डिंग है, ठीक है। और गवर्नमेंट, इसमें तो गवर्नमेंट कंपनी भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट के पास भी है, देखो इसके पास अच्छी होल्डिंग। तो अब पब्लिक के पास कितनी है, केवल 5.45%, मतलब सारा माल तो प्रमोटर्स और FII और DII के पास है, ठीक है। गवर्नमेंट और पब्लिक, मतलब हम जैसे आम जैसे लोग, पब्लिक के पास केवल इतनी 5% की होल्डिंग है, तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है। तो ये था दोस्तों, इसकी कुछ फंडामेंटली टेक्निकल फंडामेंटिकल एनालिसिस था इसका, जो कि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कंपनी में दम है, ठीक है, आगे फ्यूचर में अपने आप को सिक्योर करने का, और अपने आप को मान लीजिए ग्रो करने का, और ग्रो कर ही रही है, ठीक है। कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है, देखो, 2010 में इस कंपनी का IPO आया था, तो उस टाइम पर इसके शेयर की प्राइस हुआ करती थी 115 रुपये, ठीक है। 115 रुपये से चलना स्टार्ट हुआ, 115 रुपये से शेयर भागना स्टार्ट हुआ, और भागते भागते कहाँ पहुँचा, यहाँ दोस्तों, गजब का चार्ट है इसका, गजब का, बहुत ही अच्छा चार्ट है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस कंपनी का चार्ट ऐसे ऊपर जा रहा होता है, सही समझो, वो कंपनी अपने आप को बहुत ही सस्टेनेबल होती है, और बहुत ही अपने आप को संभालने वाली होती है, और ग्रो करने वाली होती है। तो आप देख पा रहे हो कंपनी का चार्ट ऊपर ही जा रहा है लॉन्ग टर्म में। हम ये देखें कि इस कंपनी ने मैक्सिमम, ये देखो मैक्सिमम, मैंने मैक्स पे कर रखा है, तो कंपनी की 2010 में आई थी और 2021 निकल गई, तो ये हो गया आपको 10-12 साल हो गए, ठीक है। 12 साल में कंपनी ने रिटर्न कितना दिया, तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, बहुत ही गजब का रिटर्न दे रखा है, बहुत ही अच्छा। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो 3147%, मतलब 3147% का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप निकाल के देखोगे तो ये आपका एक एवरेज आएगा, लगभग एवरेज आएगा आपका ये 250% का पर ईयर का रिटर्न आएगा ये, ठीक है। आप इसको 10 साल के 12 साल के हिसाब से बांटोगे तो 250% का पर साल का एवरेज आएगा। तो देखो कंपनी के चार्ट देखो आप, कंपनी के चार्ट में कई बार गिरावट हुई है, कई बार यहाँ गिरावट हुई है, यहाँ हुई है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, मतलब बहुत सारी गिरावट हुई है, लेकिन फाइनली अगर देखोगे तो कंपनी फिर भी ऊपर ही जा रही है। फाइनली अगर देखोगे तो कंपनी फिर भी ऊपर ही है, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास दम है, कंपनी के बिजनेस में दम है। कंपनी क्या करती है, डोमिनोज पिज्ज़ा, पिज्ज़ा कौन नहीं खाता आजकल, तो एक ट्रेंड है पिज्ज़ा खाना। अरे जिसको खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, कुछ नहीं खाना नहीं बनाना है,
ऑर्डर कर दिया, पिज्ज़ा आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग तो पिज्ज़ा इतना पसंद करते हैं कि वो खाना कम खाते हैं, पिज्ज़ा ही बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आप कंपनी का बिजनेस आपने देखा ही है कि कंपनी करती क्या है। आई होप सब लोगों ने पिज्ज़ा खाया होगा, ठीक है, और सब लोगों को अच्छा भी लगता है। और आजकल तो ये अमीरों का वो हो गया है खाना, पिज्ज़ा। ठीक है, तो मैं आपको वन ईयर का चार्ट दिखा दूँ, तो वन ईयर में कंपनी ने रिटर्न जो दिया है, आप उसको देख कर कहोगे क्या, एक साल में तो कुछ नहीं दिया इसने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म्स के लिए है, लंबी अवधि के लिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि लंबे समय के लिए शेयर होल्ड करने से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आप एक साल में देखते हो तो केवल 28% का रिटर्न है, लेकिन 12 साल के अंदर अगर आप देखते हो, जिस बंदे ने शुरू में इसके शेयर को खरीदा था और आज भी उसका अगर उसके पास है, तो उसको एवरेजन 250% का रिटर्न पर ईयर मिला है उसको। ठीक है, तो ये होता है लंबे समय तक शेयर को होल्ड करने का प्रॉफिट। और CAGR भी तो मिलता है, CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, आपका पैसा कंपाउंडिंग भी तो होता है। ठीक है, तो ये होता है लंबे समय का प्रॉफिट, लंबे समय तक होल्ड करने का। तो दोस्तों देखना आपको है, आपको पिज्ज़ा खाना है या पिज्ज़ा बनाने वाली कंपनी का शेयर खरीदना है। बहुत से लोगों ने पिज्ज़ा खा खा के बहुत से पैसा खराब, मतलब ख़राब क्या, शौक है अपने अपने लोगों के, मैं ये भी नहीं कहूँगा ख़राब कर दिया। कुछ लोग पिज्ज़ा खाने में बर्बाद हो गए, कुछ लोग पिज्ज़ा की कंपनी की शेयर खरीद के बन गए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि पिज्ज़ा खाना बेकार है, पिज्ज़ा खाना नहीं चाहिए। भाई आप लोग पिज्ज़ा खा रहे हो, कंपनी का बिजनेस चल रहा है, तभी तो शेयर चल रहा है, वो तो एक कहने वाली बात है। ठीक है, तो देख लो दोस्तों क्या नाम है इसका, जुबिलेंट फूड वर्क्स। शायद आपको आज तक नहीं पता होगा कि इस कंपनी को पिज्ज़ा बनाती कौन है। तो ये जुबिलेंट फूड वर्क कंपनी है जो इस पिज्ज़ा को बनाती है, जिसको आप बड़े ही स्वाद से खाते हो और तुरंत ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, और कंपनी ने अब तो क्या बोलते हैं, वो भी लॉन्च कर दी है बिरयानी, अपनी बिरयानी भी लॉन्च कर दी है। ठीक है, कुछ जगहों पर ये कहीं कहीं पे शायद गुड़गांव दिल्ली में शायद ये बिरयानी भी डिलीवर कर रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी है, मैंने तो घर नहीं खाई है, सुना है मैंने ऐसा। तो देख लो दोस्तों आपको बाय करना है कि नहीं करना शेयर, जैसे कि 3750 आज इसकी रेट है, 110 रुपये वाला शेयर, तो बहुत ही अच्छा शेयर है, आप कभी भी खरीद सकते हो, बाय ऑन डिप कर सकते हो। बाय ऑन डिप बोलते हैं दोस्तों जब गिरावट होती है, जैसे कि इस जगह पर आप देखोगे यहाँ पर गिरावट हुई है इस कंपनी में, तो यहाँ पर जब गिरावट हुई है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर गिरावट हुई है तो अभी भी ये नीचा ही है, आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। अगर वैसे देखोगे आप तो इस जगह पर शेयर की जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होगी। देखो इस जगह पर 4525 रुपये का शेयर, ये 13 अक्टूबर को 4525 का शेयर था, आज 3750 में मिल रहा है, तो अभी भी मौका है इसको बाय करने का, बहुत ही अच्छी रेट पर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी का शेयर 4525 तक पहुँच चुका है। तो ठीक है दोस्तों, हमने आपको शेयर के बारे में बता दिया, शेयर से दोस्ती करा दी, कंपनी के पास क्या है क्या नहीं है ये भी बता दिया, कंपनी रिटर्न कितना दिया है ये भी बता दिया, कंपनी करती क्या है ये भी बता दिया, और आपने देखा भी है कि कंपनी जो काम करती है वो कैसा है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, पिज्ज़ा बनाएगी कंपनी और खाने वालों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कंपनी कैसी लगी और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।